अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब में इजी कुकिंग विद नाज। तो ज़बरदस्त सी आज रेसिपी है। आज हम बीफ कढ़ाई बनाएंगे। तो बीफ मैंने ये जो गोश्त है इसको मैंने उबाल लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया। ये गल गया है तो आधा किलो है ये मेरे पास। दो मीडियम टमाटर, दो मीडियम प्याज, तीन चार हरी मिर्चें, जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो मेन है कसूरी मेथी आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, सूखा धनिया एक चम्मच, कुटी हुई मिर्चें एक चम्मच, नमक एक चम्मच, आधा चम्मच हमने ये गरम मसाला डालना है और वन टीस्पून काली मिर्चें डालनी है। ये मसाले हैं, अब इसको बनाएंगे। ऑयल इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच हमने जब चिकन बॉयल ये गोश्त बॉयल किया था तब डाला था। गोश्त डाल देंगे, टमाटर, ये प्याज, हरी मिर्चें, वो यखनी डालेंगे जिसके अंदर हमने गोश्त को गलाया था एक कप। अब इसको ढाम देंगे ताकि प्याज भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी। इसके अंदर दही डालेंगे आधा कप। ये सारे मसाले डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह इसको भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई तैयार होगी। यमी यमी सी ये देखें, बहुत मज़े की बनी है ये कढ़ाई। बहुत आसान है इसको बनाना घर में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।